हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं सारे भी बिंद ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस समय काम में आ गया और मौसम भी गड़बड़ चल रहा है। दोस्तों जब पानी जरूरत रहा तब बारिश नहीं हो रहा था, अब रोज ही बारिश हो रहा है। हमारा धान पका है दोस्तों, दिन दिखाए थे आप लोगों को, पीटा गया। अभी फिर आज चलते हैं दोस्तों, फिर पका है, खेत तो पका है लेकिन मौसम देखते हुए, थोड़ा मौसम पे पड़ेगा तो सबको सहेजेंगे। अपने भैंस के लिए पूरा ले जाएंगे दोस्तों, काटेंगे सब तो, और भैंस की सेवा करना पड़ेगा दोस्तों आज रात। चलिए आगे चलते हैं। बारिश रात में हुआ था दोस्त, तो पानी आ गया अंदर, इसी साफ कर देते हैं तो बच्चा लेकर आएंगे अंदर। आ रही है दोस्त, अब चलते हैं माँ के पास। बारिश कुछ ऐसे लो दोस्तों, हम यहाँ नहीं बटोर पाए थे, थोड़ा खराब है तभी बटोर रहे हम लोग, साफ कर देते और आई पास में वो तो बने करेंगे नहीं करेंगे, करना हम ही लोगों को है तो अब समय निकाल के हम आए हैं दोस्तों। काम तो बहुत है इस समय, अब धान हमारा कटेगा दोस्त। बहुत वजह हो गया है गोबर है दोस्त, हाई खास से काछा जा रहा है, मेहनत लगती है, कलाई दुखने लगता है दोस्तों, बटोरते हुए काटते काटते धूप को लिया गया है, अभी ले जाए लोगों पर
हमने गोरु बछड़े सब साफ सुथरा कर दिए हैं और हमने बताया कि आज फिर से हमारा धान कटेगा। तो अगर कटेगा समय, मौसम तो बहुत बदली है दोस्तों, गर्मी भी ज़्यादा है, देखते हैं जैसा मौसम देखते हैं ना फिर धान काटेंगे आज फिर। तो आप लोग को अगर कटेगा तो ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में। कुआं में पानी नहीं है दोस्तों, पूरा तरह सूखा है। हम तो सोचे कि आज चार छः दिन से बारिश हो जाए उसके जाना थोड़ा पानी हुआ है, नहीं हुआ है, एकदम सूखा। चलते हैं, हमने पालक बोया था, सारे पालक गल गए जो बारिश हुआ इससे। ये पानी जब पपीता का भूत भूत चूता है तभी गलता है पालक, जल्दी गल जाता है, पालक सड़ जाता है जल्दी से। हम देखो देखो एकदम सफेद, कुछ भी नहीं है। और देखो चौराई अभी भी बचा है हमारा, चौराई नहीं पालक सड़ गया, पूरा गल गया दोस्त। और करेला देखो अपने आप जा रहा है, चल रहा है, बड़े ही सेम है दोस्त, मोटे मोटे बड़े बड़े केवाँच कहते हैं वो है, एक केवाँच का पेड़ है। चलिए रखते हैं, देखिए दोस्त ये बरियरा का पेड़ है, इससे बनता है झाड़ू, मस्त इसमें फूल आया है, देखिए मस्त मस्त, देखिए कितना सुंदर है ये वाले से ज़्यादा बनता है ये, जो इसका देखो पत्ता मरचा जैसा है, झाड़ू बनाते हैं इससे बड़े देखने बड़े बड़े होता है दोस्तों, इससे जल बनता है। देखिए हमारा धान, और धान पक गया है दोस्तों, देखते हैं शाम को कटाते हैं अभी, और धान लग जाए तो किनारे का तो ये नहीं पकेगा, ये तो काटे चर डाले थे ना, देखो ख़त्म है, लेकिन बाकी धान पका हुआ मस्त पक गया है। वहाँ का पहले वहाँ कटवाएंगे, अभी सबको कहेंगे तो कटेगा दोस्तों, शाम को कटेगा, लेकिन आप लोग को दिखा रहे हैं कि हमारा धान पक गया है पूरी तरह से। धान देखो दिखाए थे तो कम पका था, पक गया पूरी तरह से। और ये दामनी ये भी अलग है, वो सब कट जाएगा जो पका है दोस्तों, ये छोड़ा जाएगा, अब इसे बाद में काटे, ये तो बाद में पकेगा, कब 15 दिन लगेगा कम से कम पकने में भी, वो तो पक गया है अभी शाम को वहाँ पहले खेत कटेगा, वो ज़्यादा पका है। आगे चलते हैं बाहर के लिए, बहुत जंगल हो गया है पूरा बारिश से। दोस्त हमने पूरा दिखाया वो घर से लेकर, काम किसान के पास तो होता ही दोस्तों, हमें बार बार बताते हैं। और दोस्तों खेती बाड़ी को है ये सब मेहनत है पूरा, जो हम वो बन सकता है अपना वीडियो आप सबको दिखाते हैं। अब कटेगा तो शाम को फिर बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाय दोस्तों, चलिए।